अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जमाल ख़ान और आप देख रहे हैं टेक्निकल जय यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हैं, और स्पेशली हम यह बात करते हैं कि आप जब भी पिक्चर बनाते हैं तो कैसे सर्कल शेप में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि मुझे एक भाई एक दोस्त है मुझे कमेंट किया है, ऑलरेडी मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसने कमेंट में बताया गया कि जमाल भाई हम कैसे पिक्चर बना सकते हैं और वो भी सर्कल शेप में। तो जी हाँ बिल्कुल, आप बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। एक छोटा सा ऐप है, मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप का नाम क्या है और इससे पिक्चर बनाने का तरीकाकार क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ, हमारे साथ रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्लीज़, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं इस तरह चीज़ अपलोड करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। तो लेट्स गो। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, नो टेंशन विद इजली। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऑलरेडी कमेंट हुआ है मेरे वीडियो के ऊपर, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए भी मुफीद है, और जो लोग चाहते हैं कि हम कैसे पिक्चर बना सकते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ दोस्तों, आपके पास एक ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा। इस ऐप्स का नाम है पिक्सल लैब। मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसे यूट्यूबर नहीं है जिसके पास ये ऐप्स नहीं है। ये ऐप्स मस्ट इंस्टॉल होगा आपके मोबाइल में दोस्तों। आसान तरीका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। इस ऐप्स को ओपन कीजिए और राइट की तरफ जो तीन डॉट लगे हुए हैं इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। जब भी आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने बहुत ऑप्शन नज़र आएगा, और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पोजीशन में है, अगर आपके पास गैलरी में मौजूद है तो गैलरी पे जाना है, अगर आपके पास नहीं कैमरे में रिसीव करना चाहते हो तो यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। तो मैं सबसे पहले जो टॉप की पोजीशन पर है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो मेरे पास गैलरी में पिक्चर है। आपको समझाने के लिए मैं एक पिक्चर को बनाता हूँ और कैसे मैं गोल यानी सर्कल शेप में बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने लिए बना चुका है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पास मेरे पिक्चर है मेरे पास, और मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी ये पिक्चर जो है ये स्क्वायर में है। ठीक है, बहुत ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, राइट की तरफ कोने में जो सर्कल निशान है पड़ा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। जब भी आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपका पिक्चर जो है ऑलरेडी सर्कल में आएगा। अगर आप अपने पिक्चर को जूम करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह करता हूँ, देखिए आप, सिर्फ तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे, अगर आप अपना चेहरा, सिर्फ चेहरा अपनी सर्कल पिक्चर में शो करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुसीबत की, कोई ऐसी सख्ती की बात नहीं कि आपको हैरान की परेशानी होगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप इस इतना सेलेक्ट कीजिए, इतना सेलेक्ट करके तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इस टिक पर क्लिक कीजिए दोस्तों। जब भी आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने अपना पिक्चर जो है आप देख सकते हैं कि ये खुद बहुत सर्कल शेप में पड़ा हुआ। आसान तरीका है, अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कुछ लिखना चाहता हूं। अगर आप अपने चैनल के मुताबिक निकनेम लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मेरा चैनल का नाम टेक्निकल जे है, तो टी और जे, फॉर एग्जांपल मैं निकनेम लिखना चाहता हूँ तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने लिख दिया, और ज़रा मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ, इसका स्टाइल में चेंज कर रहा हूँ। इसमें बहुत ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आज का हमारा असल मकसद जो था सिर्फ और सिर्फ पिक्चर जो है कैसे हम सर्कल शेप में बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी कलर्स और इसकी ऑप्शन मौजूद है आपके सामने, शायद मेरे ख्याल में आपको यह तरीका आता होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठीक है मैंने लिखा। अगर आप इसके अंदर कुछ ना लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो यार बात तो ठीक हो गया, पिक्चर भी सर्कल में आ गया, इसके अंदर जो मैंने जो निकनेम लिख किया अभी। ठीक है, तो मैं आपको सेव करने का तरीका बता दूं, इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों, और सेव एज प्रोजेक्ट एंड सेव एज इमेज, सेव एज इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ एंड सेव टू गैलरी। और मैं बैक जा रहा हूँ अपनी गैलरी पर कि क्या ये पिक्चर सेव हो गया और नहीं, क्या ये सर्कल में हो गया या नहीं। तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार आपका पिक्चर जो है बिल्कुल अच्छी तरह सर्कल में आ गया, और इसके अंदर मैंने जो कुछ लिख किया अपने चैनल के मुताबिक आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना है, ठीक है, सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को,
घंटी भी दबा रखिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोबाइल कंप्यूटर एक ऐसी ट्रिक्स यूट्यूब के साथ जो ट्रिक्स व्हाट्सएप में आती हैं तो मैं इंशाल्लाह हर नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मिलते रहे सबसे पहले। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहे, अपने दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।